तक की राज्य के करीब 85% विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ग्रामीण वोटर ही निर्णायक भूमिका में। पिछले चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था। राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में 194 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं। जाहिर है इन सीटों पर किसानों के वोट खासी अहमियत रखते हैं। इनमें 132 सीटों पर 2013 में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई, यानी केवल ग्रामीण इलाकों में मिली सीटों से ही बीजेपी ने बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल कर ली। कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों की 194 सीटों में केवल 55 पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गई थी। गांव की इन 194 सीटों में 67 सीट तो ऐसी हैं जो बीजेपी का गढ़ हैं, जिन पर बीजेपी ने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2014 में के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब है। वहीं शहरों की राज्य में कुल 25 सीटें जिनमें बीजेपी ने 2013 में 23 पर कब्जा किया। कांग्रेस के खाते में इनमें केवल 2 सीटें ही आई थी। तो कस्बाई इलाकों की राज्य में कुल 11 सीटें जिनमें कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी, जबकि 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में अगर उनकी पार्टी जीती तो आलाकमान जिसे सीएम उम्मीदवार बनाएगा उनको वो मंजूर होगा। साथ ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की गोत्र के मुद्दे पर खुलकर बात की और बीजेपी के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिनमें कांग्रेस को बिना दूल्हे की बारात बताया गया था। राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी 2 सबसे बड़े चेहरों पर है, एक है अशोक गहलोत, दूसरे सचिन पायलट। अशोक गहलोत पिछले 40 साल से राजनीति के अंदर है, जाहिर तौर पर लंबे समय से कैंपेन करते आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब की बार चुनाव के अंदर मुद्दों के बजाय जात धर्म गोत्र तक पहुंच गए? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, राफेल के बारे में पूछ रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, उनके जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे राजस्थान के अंदर, उसका पूछ रहे हैं। ब्लैक मनी लेके क्यों नहीं आए आप, 1 रुपये क्यों नहीं आए अभी तक स्विस बैंकों से, उसका पूछ रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे उसका पूछ रहे हैं। आपने गोत्र बताया लेकिन कह रहे ननिहाल का बता दिया, दादा का, उनका दादा है उनका गोत्र नहीं बताया। उनको मतलब क्या इन बातों से? आपका गोत्र हम नहीं पूछ रहे हैं, आपके नाना नानी का नाम हम नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। हम तो कहते हैं, राहुल जी कहते हैं कि ना तो हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है नीतियों के सिद्धांतों के कार्यक्रमों का, हमारी क्या उनकी क्या है वो बताएं, वो हम लोग उस पर बात करते हैं। और आज देश में घृणा है, नफरत है, हिंसा का माहौल है। राहुल जी कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, अहिंसा के रास्ते पर चल के राजनीति करो। अब आप चुनाव कैंपेन आपका आगे बढ़ रहा है और अभी बार बार ये सवाल कांग्रेस के सीएम के चेहरे को लेकर उठ रहा है कि बीजेपी बार बार टारगेट कर रही है कि कांग्रेस तो बिना दूल्हे की बारात है। अरे वो पूरे जिंदगी भर कमा ही रहे थे, वो तो कोई जमाने में जो है हम पूछते थे उनको आपका दूल्हा कौन है, वो भूल जाते हैं। और आज़ादी के बाद में कभी भी राजस्थान में कोई दूल्हा बना ही नहीं, पहले चुनाव के पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आप किसी का नाम डिक्लेयर कर दो। गहलोत साहब, आप 2 बार सीएम रह चुके हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में और कांग्रेस तो कांग्रेस का मतलब ही यहाँ पर अशोक गहलोत मानते हैं, कि अगर आप चेहरा होते तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की संभावनाएं ज्यादा होती, ज्यादा मजबूती से के साथ? मैं हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा कैंपेन चल रहा, शानदार माहौल बन गया है, हम लोग जीत के आ रहे हैं। हम सब जीते, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो पीसी प्रेसिडेंट हो। पोस्टर में हम देख रहे थे आपका जो कैंपेन वीडियो जारी हुआ था उसमें देखे 2 ही चेहरे थे, आप और सचिन पायलट, तो क्या माना जाए फेस आप 2 हैं मुख्यमंत्री के? मुझे पता नहीं कौन से विज्ञापन की बात करते हो आप। आपकी पार्टी की ओर से कैंपेन वीडियो जारी किया गया? अभी किया गया तो मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, मैं तो कैंपेन कर रहा हूँ, वो सोशल के किया होगा जो भी टीम बनी हुई है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारे नाथ संप्रदाय पर अपनी पकड़ बढ़ाने में जुटी है। राजस्थान को नाथ संप्रदाय का मजबूत गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि पार्टी ने सीएम योगी को राजस्थान के नाथ संप्रदाय के प्रभाव वाले इलाकों में उतारा। योगी आदित्यनाथ क्योंकि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और राजस्थान में नाथ संप्रदाय की बड़ी संख्या है, सभाएं उन इलाकों में कराई जा रही है, या तो मुस्लिम बहुल इलाके या नाथ संप्रदाय वाले इलाके। आमेर विधानसभा में भी योगी की चुनावी रैली के दौरान नाथ संप्रदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा।
योगी आदित्यनाथ की वजह से हम बीजेपी को वोट करेंगे। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ध्रुवीकरण के मकसद से योगी को भेजा गया, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की उम्मीदें वोटों के ध्रुवीकरण पर कम और नाथ संप्रदाय के वोटों से ज्यादा टिकी, क्योंकि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के 42 मठ हैं और राज्य में नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों की अच्छी खासी आबादी है, जिसका असर राजस्थान में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी दिखा, जिसमें गोरख धंधा शब्द पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया गया। इस वादे को नाथ संप्रदाय को खुश करने की कोशिश माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कश्मीर पर दिए उस बयान पर गहरी नाराजगी जताई है जो उन्होंने बीते रोज करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर दिया था। इमरान खान के बयान पर नाराजगी जताते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने का भारत विरोध करता है। सिखों की काफी पुरानी मांग को पूरा करने के इस पावन मौके पर भारत के अभिन्न अंग कश्मीर का मुद्दा लाना गैर जरूरी है, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। असल में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया था और उसे सुलझाने की मांग की थी। हमारा मसला एक कश्मीर का, मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ दो इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के एक दोनों तरफ, जो इरादा कर ले कि हम मसला हल करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा।